अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ लेक्चर 16। आज हमने मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट के एडिशनल सेंटेंसेस स्टार्ट करने हैं। टोटल हमारे पास 21 सेंटेंसेस हैं, लेकिन हम सिर्फ 10 सेंटेंसेस करेंगे, बाकी के रिमेनिंग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज हम सेंटेंसेस के साथ बुक एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। बुक एक्सरसाइज के भी 2 पार्ट करेंगे, पार्ट बी एंड पार्ट सी। सेंटेंसेस का फर्स्ट वर्ड है हमारे पास ईगर। ईगर पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। इसका उर्दू मीनिंग है बेताब, शौकीन या दिलचस्पी। अली इज ईगर टू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। अली पाकिस्तान की तारीख जानने के बारे में बेताब है, ईगरली। ईगरली पार्ट ऑफ स्पीच में एडवर्ब है। स्टूडेंट्स वर ईगरली वेटिंग फॉर द रिजल्ट। स्टूडेंट्स बेताबी से रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे थे। करेक्टिव, करेक्टिव पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। उर्दू मीनिंग है इस्लाही या दुरुस्ती। वी हैव टू टेक करेक्टिव एक्शंस टू हॉल्ट मीन स्टॉप इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन वर्ड का मीनिंग है महंगाई। हमें महंगाई को रोकने के लिए इस्लाही इकदाम उठाने चाहिए। इम्पैक्ट, इम्पैक्ट पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। इसका उर्दू मीनिंग है असर। हर मेडन स्पीच, मेडन स्पीच पहली तकरीर को कहते हैं, मेड अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन एवरीबडी। प्रोफाउंड मीन डीप, गहरा। उसकी पहली तकरीर ने हर एक पर गहरा असर डाला। मीडिया मस्ट हैव करेक्टिव इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। मीडिया को माशरे पर करेक्टिव इम्पैक्ट रखना चाहिए या मीडिया का माशरे पर करेक्टिव यानी इस्लाही असर होना चाहिए। इंटेग्रल, इंटेग्रल पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग है लाजमी या अहम। इस्लामियत इज़ एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ आवर प्रेस्टिजियस स्कूल करिकुलम। करिकुलम निसाब को कहते हैं यानी सिलेबस को। इस्लामियत हमारे प्रेस्टिजियस यानी रिस्पेक्टेबल, रिस्पेक्टफुल स्कूल का के निसाब का अहम हिस्सा है। विजिलेंट, विजिलेंट चाको चौबन पार्ट ऑफ स्पीच में ये एडजेक्टिव है। ऑल द सिटीजन्स मस्ट बी विजिलेंट टू चेक टेररिज्म फ्रॉम द सोसाइटी। चेक रोकथाम को कह रहे हैं यहाँ पर। तमाम शहरियों को माशरे से दहशतगर्दी को, दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए चाको चौबंद होना चाहिए। पुलिस मस्ट बी विजिलेंट टू अरेस्ट लॉ ब्रेकर्स। पुलिस को लॉ ब्रेकर्स को गिरफ्तार करने के लिए चाको चौबंद होना चाहिए। यहाँ मस्ट भी लाजमी के लिए आ रहा है। वायलेशन, वायलेशन खिलाफ वर्जी के लिए यूज़ हो रहा है। द वायलेशन ऑफ लॉ कैन ब्रिंग अबाउट पनिशमेंट। कानून की खिलाफ वर्जी सजा का बायस बनती है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास कवरेज। कवरेज, लाइव कवरेज ऑफ क्रिकेट मैच ऑन टीवी इज गोइंग ऑन। एंक्शस, एंक्शस बेचैन। वी वर एंक्शस व्हेन सर टोल्ड अस अबाउट द ट्रिप। The criminal is anxious about the consequences of his crime. Consequences जराइम को कहते हैं। Criminal मुजरिम अपने जुर्म के नतीज के बारे में बेचैन है। Express इजहार करना। She expressed her views about corruption very well. उसने बदनवानी के बारे में अपने ख्यालात को बड़े अच्छे से, ख्यालात का बड़े अच्छे से इजहार किया। ये टोटल 10 सेंटेंसेस हैं जिनको आपने लर्न करना है और राइट करना है। नेक्स्ट है हमारे पास बुक एक्सरसाइज। ओपन योर बुक एट पेज 26। पार्ट ए हम ऑलरेडी कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में सेंटेंसेस। पार्ट बी है हमारे पास पुट दीज वर्ड्स इन रेलिवेंट कोलंस टू आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच दीज वर्ड्स बिलोंग टू। 3 पार्ट ऑफ स्पीच हमें दिए गए हैं, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। नाउन, वी वेरी वेल नो नाउन। नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स।
नेमिंग वर्ड होते हैं नाउन, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव आर दोज वर्ड्स विच क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं, यानी उनकी खूबी और खामी के बारे में बताते हैं, उसके बारे में फर्दर इंफॉर्मेशन देते हैं। नेक्स्ट है एडवर्ब। एडवर्ब्स आर दोज वर्ड्स विच टेल अस फर्दर अबाउट वर्ब्स, जो मज़ीद हमें वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। इसके अलावा ये एडजेक्टिव को भी एक्सप्लेन करता है, एडजेक्टिव के बारे में भी बताता है, उसको भी क्वालिफाई करता है, और इटसेल्फ यानी अपने आप के बारे में भी। यहाँ पर हमारे पास टोटल 12 वर्ड्स हैं। इनमें से जो नाउन हैं उनको नाउन के कॉलन में राइट करना है, जो एडजेक्टिव हैं उन्हें एडजेक्टिव के कॉलन में, और जो एडवर्ब हैं उन्हें एडवर्ब के कॉलन में राइट करेंगे। फर्स्ट वर्ड है हमारे पास मीडिया। मीडिया इज अ नाउन, मीडिया को नाउन के कॉलन में राइट करेंगे। नेक्स्ट ईगरली, ईगरली एडवर्ब है। नेक्स्ट कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन नाउन है हमारे पास। कंस्ट्रक्टिव, तामीरी, कंस्ट्रक्टिव रोल एडजेक्टिव है हमारे पास, इसे हम एडजेक्टिव के कॉलन में राइट करेंगे। नेक्स्ट ऑडियंस, कलेक्टिव नाउन है, नाउन के कॉलन में राइट करेंगे। ग्लोबल, लाइक ग्लोबल विलेज, ग्लोबल एडजेक्टिव का रोल परफॉर्म करेगा, तो इसे एडजेक्टिव के कॉलन में राइट करेंगे। इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन नाउन है, इसे हम नाउन के कॉलन में राइट करेंगे। फॉल्स, लाइक फॉल्स न्यूज़, फॉल्स इंफॉर्मेशन नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव का रोल परफॉर्म कर रहा है, एडजेक्टिव के कॉलन में राइट करेंगे। नेक्स्ट है मीन्स, मीन्स नाउन है, ज़राए, इसे नाउन के कॉलन में राइट करेंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास करेक्टिव। करेक्टिव, करेक्टिव स्टेप्स, करेक्टिव एक्शंस, इसे हम एडजेक्टिव के कॉलन में राइट करेंगे, क्योंकि ये एडजेक्टिव का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। इम्पैक्ट, इम्पैक्ट इज नाउन, नाउन के कॉलन में राइट करेंगे। लाउडली, शी वॉज क्राइंग लाउडली एडवर्ब है, एडवर्ब के कॉलन में राइट करेंगे। ये हमारा पार्ट बी था। टास्क असाइन कर रही हूँ आपने, ये कौन से नाउन है, कौन सी काइंड्स है नाउन की। एक काइंड तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ऑडियंस कलेक्टिव नाउन है, बाकी आपने खुद फाइंड आउट करने हैं और राइट करने हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास ग्रामर का। चेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इनटू नाउन्स, हमें डिफरेंट वर्ड्स दिए गए हैं, इन्हें हमने नाउन में चेंज करना है। फिलिंग द ब्लैंक्स विद नाउन्स, करेक्ट वर्ड को ब्लैंक में फिल करना है नाउन में रिप्लेस करने के बाद। डॉक्टर्स आर कंसर्न विद डैश ऑफ द पेशेंट्स, डॉक्टर्स को पेशेंट्स की किस चीज़ के साथ कंसर्न है, सेफ से सेफ्टी, सेफ्टी से उसकी हिफाजत से कंसर्न होती है। सेफ वर्ब है लेकिन इसे हमने चेंज किया है सेफ्टी में। इन अ स्टेट ऑफ डैश शी क्राइड लाउडली, स्टेट ऑफ एक्साइटेड वर्ब है हमारे पास, एक्साइटेड का नाउन एक्साइटमेंट होता है। इन अ स्टेट ऑफ एक्साइटमेंट शी क्राइड लाउडली। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास फ्लड्स ऑफन कॉज लार्ज स्केल डैश, डिवेस्टेटिंग वर्ड है हमारे पास, नाउन में चेंज करेंगे तो डिवेस्टेशन है, तबाही, डिवेस्टेशन तबाही को कहते हैं। सैलाब क्या करते हैं, ऑफन कॉज लार्ज स्केल डिवेस्टेशन, बड़े पैमाने पर तबाही का बायस बनते हैं। पॉजिटिव डैश विल कीप यू हेल्दी, एक्टिव एडजेक्टिव है, इसका नाउन एक्टिविटी है। पॉजिटिव एक्टिविटी विल कीप यू हेल्दी, पॉजिटिव एक्टिविटी सरगर्मी आपको हेल्दी सेहतमंद रखेगी। हर डैश वॉज क्वाइट ऑब्वियस, हर हेल्पलेसनेस, हेल्पलेसनेस इसकी जो लाचारी है वो
वाजिया है। शी वॉज इन अ स्टेट ऑफ डैश। होपलेस का नाउन होपलेसनेस, वो उसकी शी वॉज इन अ स्टेट ऑफ होपलेसनेस, वो नाउमीदी की स्टेट में थी, यानी हालत में थी, कैफियत में थी। शी हैज़ द डैश रिक्वायर्ड फॉर द जॉब। एबल का नाउन एबिलिटी है, वो एबिलिटी रखती है। शी हैज़ द एबिलिटी रिक्वायर्ड फॉर द जॉब, इस जॉब के लिए जो एबिलिटी रिक्वायर्ड है वो रखती है। हैव यू एनी डैश ऑफ दिस एक्ट। जस्टिफाई का नाउन जस्टिफिकेशन होता है, यानी आपके पास कोई दलाइल हैं आपके इस एक्ट के बारे में, यानी इस अमल के बारे में कोई आप दलाइल रखते हैं। ये हमारे नाउन थे इन वर्ड्स के, इनको फिलअप कर लीजिएगा अपनी बुक में। इन एक्सरसाइज को, इन दोनों एक्सरसाइज को आपने लर्न करना है अच्छे से। आपको डिफरेंट तरीके से बोर्ड में पूछे जाएंगे, लाइक यहाँ आपको नाउन को, वर्ड को नाउन में रिप्लेस करने के बाद फिल करने के लिए कहा जा रहा है। बोर्ड में वो आपको इस तरीके से भी दे सकते हैं कि लाइक डॉक्टर्स आर कंसर्न विद सेफ्टी ऑफ द पेशेंट्स। आपके पास ऑलरेडी ब्लैंक फिलअप है, आपको ऑप्शंस क्या दिए जाएंगे, आपसे पूछा जाएगा कि अंडरलाइन वर्ड क्या है, व्हाट इज अंडरलाइन वर्ड। ऑप्शन देंगे, ऑप्शन ए नाउन, ऑप्शन बी एडजेक्टिव, ऑप्शन सी वर्ब, ऑप्शन डी एडवर्ब। आपने चूज़ करना है, आपको ये मालूम होना चाहिए कि इस एक्सरसाइज को आपने नाउन के साथ फिलअप किया है। ये तमाम ब्लैंक्स नाउन के साथ फिलअप की हैं, पहले आपने वर्ड को नाउन में रिप्लेस किया है और उसके बाद आपने उस ब्लैंक्स को फिल किया है, रिप्लेस करने के बाद फिल किया है। तो आपको बोर्ड में इस तरीके से भी पूछा जाएगा कि सेफ्टी के बारे में, जैसे मैंने एग्जांपल दी, एक्साइटमेंट को अंडरलाइन करेंगे, आपसे पूछेंगे एक्साइटमेंट क्या है। इसी तरीके से ऊपर वाले वर्ड्स भी आप लोगों ने अच्छे से लर्न करने हैं। आपको फॉल्स, एक सेंटेंस में फॉल्स का वर्ड अंडरलाइन करके पूछा जाएगा कि पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है, नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है।